सब्सक्राइब कीजिए के इनक्रेडिबल किचन को और बेल आइकन दबाइए हमारी नई रेसिपी सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू के इनक्रेडिबल किचन। मेरा नाम है नितिन, अलॉन्ग विद माय मॉम कोकिला। फ्रेंड्स, आज जो हम आपके लिए रेसिपी लेके आए हैं वो है सांबर पाउडर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मेरे आगे कुछ इंग्रेडिएंट्स पड़े हैं जो हम यूज करेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हम ले रहे हैं 1 टीस्पून हल्दी, हम ले रहे हैं 1/2 टीस्पून हींग, 1 टेबलस्पून सरसों, 1 टेबलस्पून हम ले रहे हैं मेथी, 1.5 टेबलस्पून हम ले रहे हैं जीरा, 1 टीस्पून हम ले रहे हैं काली मिर्च, अगेन 1.5 टेबलस्पून हम ले रहे हैं अरहर दाल, 1.5 टेबलस्पून चना दाल, 1.5 टेबलस्पून धुली उड़द दाल, 8 हम ले रहे हैं सूखी लाल मिर्च, 3 टेबलस्पून हम ले रहे हैं धनिया और 20 से 25 कड़ी लीव्स। तो आइए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। फर्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, एक पैन में सबसे पहले डालेंगे मेथी, जीरा, सरसों और कड़ी लीव्स। फ्लेम को फ्रेंड्स हम मीडियम कर देंगे और इसे तकरीबन 1.5 मिनट के लिए भून लेंगे। 1.5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मसाले अच्छे से भून चुके हैं। अब इसे हम अपने बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, दालों को अब हम भून लेंगे। सबसे पहले इस पे डालेंगे अरहर दाल, देन चना दाल, धुली उड़द। इस दाल को फ्रेंड्स तकरीबन 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से भून चुकी है। अब इसे अगेन अपने बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, एक पैन में अब डालेंगे धनिया और इसके साथ में डालेंगे सूखी लाल मिर्च। इस धनिया और लाल मिर्च को फ्रेंड्स 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं धनिया और सूखी लाल मिर्च अच्छे से भून चुका है। अब इसे अगेन हम अपने बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हल्दी, काली मिर्च और हींग और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब इसे हम अपने ग्राइंडर में ट्रांसफर कर लेंगे और इसका पाउडर बना लेंगे। सांबर का पाउडर हमारा रेडी है दोस्तों। सांबर पाउडर हमारा रेडी हो गया है, आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड हैव अ नाइस डे।